नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शकों जी, यहाँ पे ऐसे शनिवार 11 जून राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8-10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव 2022 को लेकर है। राजस्थान में राज्यसभा की सीआर में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा की बड़ी जीत। बीजेपी में क्रॉस वोटिंग तो कांग्रेस का 1 वोट हुआ खारिज। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर हुए चुनावों में 3 पर कांग्रेस ने एक और एक सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा कुहार का मुंह देखना पड़ा है। भाजपा विधायक सुभा रानी कुशवाहा की क्रॉस वोटिंग से भाजपा खेमे में चेंद भी लगी है। फिर राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आज से 4 दिन प्री मानसून की बारिश। देश में ठहरे मानसून ने पकड़ी रफ्तार, महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। राजस्थान में प्री मानसून एक्टिव हो चुका है। आज से 4 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। तो उधर देश में भी मानसून को लेकर एक अच्छी खबर है। पिछले 10 दिन से रुक से गई मानसून ने एक बार फिर गति पकड़ ली है। शुक्रवार को मानसून गोवा से आगे बढ़कर महाराष्ट्र में प्रवेश कर गया है। वहीं प्रदेश में शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में दिन भर मौसम साफ रहा, तेज धूप रही और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। धौलपुर, जोधपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर समेत कुछ शहरों में आज तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक बार फिर बढ़ने लगा कोरोना, 2 की मौत, 71 पॉजिटिव केस मिले, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1% से ऊपर। देश भर में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पैर पसारने लगा है। पिछले 10 दिन में पूरे देश में केसों की संख्या 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। राजस्थान में भी कोरोना से कल 2 मरीजों की मौत हो गई है। राजस्थान में भले ही केस 100 से कम मिल रहे हो, लेकिन पड़ोसी राज्य हरियाणा और दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में जिस तेजी से केसेस आ रहे हैं, तो उससे ये लग रहा है कि कोरोना अपने पैर पसार चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पहली बार रोबोट करेगा ट्रैफिक कंट्रोल। राजस्थान में ट्रैफिक पुलिस को अब जल्द ही रोबोट का भी साथ मिलेगा। ये रोबोट चौराहों पर पुलिस कर्मियों की तरह ट्रैफिक रूल फॉलो करवाएगा, साथ ही रूल तोड़ने वालों पर कैमरों से नजर रखेगा। इससे बचकर निकलना मुश्किल होगा। प्रदेश में सबसे पहले ये रोबोट जयपुर के JDA सर्किल पर तैनात किया जाएगा। JDA और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। 14 फीट लंबा होगा रोबोट। कंपनी की ओर से दिए गए डेमो के मुताबिक ये रोबोट करीब 14 फीट हाइट का होगा, जिसे 6 फीट की ऊंची सर्किल पर लगाया जाएगा। रोबोट का एक हाथ करीब 4.1 फीट लंबा होगा, जबकि 2 फीट का एक हाथ और 2 फीट का एक सिर होगा, जिसमें 3 अलग अलग तरह के डिस्प्ले दिए जाएंगे। सबसे ऊपर के डिस्प्ले में ट्रैफिक सिग्नल और दूसरे पर टाइमर और तीसरे पर गुजरने वाले व्हीकल्स की स्पीड शो होगी। हाईटेक कैमरों का व्हीकल्स पर नजर रखेगा। हालांकि आपको बता दें कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि प्रमुख शहरों पर सड़कों पर हाईटेक कैमरे लगाने की कवायद जारी है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें कि बिना इंटरनेट के भी देख सकेंगे राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट की माने तो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज शाम तक 10वीं का रिजल्ट घोषित करने की तारीख जारी कर सकता है। राजस्थान बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट RBSE की ऑफिशियल वेबसाइट rajdubord.rajasthan.government.in पर अपलोड कर दिया जाएगा। हालांकि वेबसाइट क्रैश होने की स्थिति में या इंटरनेट न चलने पर राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट SMS के जरिए भी चेक किया जा सकेगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 8वीं बोर्ड में 1788 बच्चे ई ग्रेड, इनकी जुलाई में एक बार फिर आयोजित होगी परीक्षा, प्रदेश में 30वीं रैंक पर जिला। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, पासवीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम बुधवार को जारी हुआ। 8वीं बोर्ड का संकलित परिणाम 92.66% रहा है, जो प्रदेश के औसत से कम है। हालांकि आपको बता दें कि जो ई ग्रेड लगे हैं उनकी एक बार फिर से भर्ती परीक्षा आयोजित होगी, इनकी जुलाई में एक बार परीक्षा होने की संभावना है। प्रदेश में आपको बता दें कि ये परीक्षा 12 साल के बाद आपको बता दें कि 8वीं के बच्चों को फेल किया गया है। इसी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट